योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30-70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9-60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10-69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है, साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि PDMC से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।